नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम खबर में। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। कर्नाटक का दंगल आज शांत हो गया है। दो दिन पहले सीएम पद की शपथ लिए येदुरप्पा ने बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी के साथ ये लड़ाई सत्ता पाने के लिए लड़ी, जिसमें देखा जाए तो अंतिम क्षणों तक बीजेपी अपनी बहुमत साबित करने का दम भर रही थी। लेकिन फ्लोर टेस्ट से कुछ मिनट पहले सीएम येदुरप्पा ने इमोशनल स्पीच के साथ इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी को बहुमत ना जुटाने के बाद मुंह की खानी पड़ गई और इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम के बाद से कर्नाटक की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ था। राज्यपाल के फैसले को लेकर विपक्षी दल एकजुट भी हो रहे थे और कांग्रेस ने भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बहुमत साबित करने का समय कम तो जरूर किया था, लेकिन राज्यपाल द्वारा दिए गए सरकार बनाने के न्योते को निरस्त नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को 28 घंटों के अंदर सदन में बहुमत साबित करनी थी। हालांकि राज्यपाल के फैसले के बाद बीजेपी हाईकमान समेत सभी नेतागण खुश थे और 15 दिन के समय में बहुमत साबित करने की बात कह रहे थे। लेकिन जैसे ही 28 घंटों का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला, बीजेपी के होश उड़ना शुरू हो गए थे। उधर कांग्रेस और जेडीएस ने अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। दोनों ही पार्टियों ने विधायकों को बीजेपी के संपर्क से बचाने के लिए होटल और रिसोर्ट्स में रखा था। पिछले कुछ चुनावों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस चुनाव में पहली बार इतनी सतर्क दिखी है। आपको याद होगा कि गोवा में अपनी ढीले रवैये के चलते कांग्रेस ने सत्ता गंवा दी थी, लेकिन इस बार कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस ने जरूर बैकफुट पर धकेल दिया है। कर्नाटक में अपनी पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनता देख राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ और हम अगर यूं ही रहे तो आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। वहीं राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम सिर्फ आरएसएस का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वो इसे और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद ही भ्रष्टाचार है। राहुल यही नहीं रुके, राहुल ने संघ को लपेटे में लेते हुए कहा कि संघ इस देश में किसी भी संस्था का सम्मान नहीं करती सिवाय खुद के। अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत लाती तो हम उसे सरकार बनाने देते। सच्चाई यह है कि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। हम देश में बीजेपी और संघ को रोकेंगे और जनता की आवाज की रक्षा करेंगे। वहीं इस परिणाम के बाद बीजेपी के कांग्रेस मुक्त सपने को ठेस पहुंची है और जिस तरह पिछले चुनावों में बीजेपी एक के बाद एक सरकार बनाती आ रही है, इस जीत के रथ को कर्नाटक की जनता ने रोक दिया है। इस चुनाव से कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों को राहत की सांस मिली होगी और साथ ही बीजेपी के तेवर भी जरूर नीचे गिरे होंगे। सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे येदुरप्पा को 55 घंटों के अंदर बहुमत पेश नहीं करने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री जेडीएस के कुमारस्वामी होंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर अगले 5 सालों तक कर्नाटक की सत्ता संभालेंगे। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।